तो कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से, अरे गोपियों तुम रात्रि में अकेली आई हो अपने घर ने छोड़ छोड़ के, बात ठीक नहीं, जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने पति की सेवा करो। हे गोपियों, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुना रहा हूं, जो स्त्री अपने पति की सेवा मन क्रम वचन से करे वाते तो भगवान भी डर पे। कैसे, सुनो दृष्टांत सुनना मेरे भाई बहन, बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण सुना रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे गोपियों, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रताई, इतनी पतिव्रताई कि बहुत सेवा कर रही अपने पति की। ब्राह्मण देव बड़े धर्मात्मा है, नित्य यज्ञ होम कियो करे। एक दिना की बात, वो कहीं त्योहारे थके आए, अपनी पत्नी की जंगा पे सर रख के सो गए और पत्नी उनका सर दबाने लगी। देवताओं, पत्नी क्या दबाने लगी, जोर से बोलो, और आपकी देवी क्या दबाना चाहती हैं? मैंने कुछ कहा है? ये देखो क्या कह रहे हैं, सुनना एक बार, क्या दबाना चाहते महाराज? बोले सर से 2-3 इंच नीचे बस, क्योंकि तुम्हें भी पता है मेरे कर्म अच्छे नहीं है जिससे वो खुश नहीं है, है ना? तो कर्म अच्छे कर लो तो काय गलत दबाएगी। अरे जब भी कथा सुनने जाया करो तो अपनी देवी जी का हाथ पकड़ के चला करो, आओ जी देवी जी हम दोनों ही धर्म करेंगे, मंदिर जा रहे दोनों ही धर्म करेंगे, परिक्रमा दे रहे हैं दोनों ही धर्म करेंगे, पर कहाँ होता है। वो देवी जी सर दबा रही थी, उनका एक छोटा सा बच्चा था, घुटमुन चलता था, अबोध बच्चा, 1.5-2 साल का, 2.5 साल का। वो बच्चा अग्नि कुंड की ओर जाने लगा, जहाँ पंडित जी यज्ञ करते थे एवरीडे। उस यज्ञ कुंड में अभी भी अग्नि जल रही है, अभी भी अग्नि जल रही है उसमें। अब वो देवी जी सोचने लगी कि अगर मैं इस बच्चे को बचाने के लिए खड़ी होती हूं अथवा आवाज लगाती हूं तो मेरे पति हारे थके आए हैं, इनकी नींद खुल जाएगी और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं पतिव्रत धर्म निभाती हूं तो मेरा बच्चा अग्नि कुंड में गिरेगा और नष्ट हो जाएगा। अब वो सोच रही मैं क्या करूं, इतना वो सोच ही रही थी तो उसने निर्णय कर लिया, चाहे मेरा बच्चा अग्नि कुंड में गिरे गिर जाए पर मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगी। क्यों? पति धर्म है, बेटा कर्म है, कर्म छूटे तो छूट जाने देना, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जीवन में अधर्मी हो गए तो फिर अधर्मी हो गए, फिर धर्मात्मा कैसे बन पाओगे। तो महाराज उस स्त्री ने निश्चय किया, चाहे मेरा बेटा जल जाए लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। इतने में उसने सोचा ही था कि अग्नि कुंड में उनका बच्चा गिर गया। उस देवी की आंख में आंसू नहीं आया, क्यों? धर्मात्मा वो नहीं है जो सुख में धर्म करे, धर्मात्मा वो है जो किसी भी कंडीशन में धर्म को न छोड़े। महाराणा प्रताप, नाम सुना है? झांसी की रानी, नाम सुना है? ये ऐसे धर्मात्मा है कि हर विपत्ति का सामना किया लेकिन अपने घुटनों नहीं टेके किसी के आगे। ये क्षत्रिय धर्म था कि शत्रु को जो है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके आगे सर नहीं झुकना चाहिए, चाहे उसके लिए घास की रोटी ही क्यों न खानी पड़े। और आजकल का धर्म तो बस जहां प्रॉफिट हो वहां धर्म है, जहां नुकसान हो वो कोई धर्म नहीं। धर्म के नाम पर हम लोग मजाक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे। हो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, अपने धर्म को बचा लो तो तुम्हारी अपने आप सुरक्षा हो जाएगी, और अगर तुम्हारा धर्म नहीं बचा तो निश्चित तौर पर तुम्हें बचाने वाला कोई भी पैदा नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, वो सोचने लगी कि ठीक है मैंने अपने पतिव्रत धर्म को बचा लिया, लेकिन जैसे ही ये बच्चा अग्नि कुंड में गिरा अग्निदेव कांपने लगे। अग्निदेव ने सोचा ये स्त्री जो है बड़ी पतिव्रता है, अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया तो ये इतनी पतिव्रता है कि मुझे साप देकर भस्म कर सकती है। तो अग्निदेव का स्वभाव है सबको जला देना,
अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया उस पतिव्रता के चक्कर में, डर से भय से, और अग्निदेव उसके लिए ऐसे हो गए जैसे चंदन की ठंडी शीतल कीच होती है, और बच्चा उसमें से खेलता हुआ बाहर निकल आया। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों मैं तुमसे कह रहा हूं, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपी बोली, महाराज एक दृष्टांत हमें भी सुना लेने दो, उसके बाद कहोगे तो चले जाएंगे। सुनाओ। एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता ही महाराज, अपने पति को मुख देख के तो सो गई और पति को ही मुख देख के जगई। पति ये पानी पिवाए के पानी पी वही, भोजन कराए के भोजन कराई, जैसे तुम्हारी करते गाय नहीं तुम्हें जिमाए की जेते ना, वो पहले खाती नहीं है, वो पहले टेस्ट करती है कि भोजन ठीक बना है कि नहीं, और टेस्ट करना पड़ता है, नहीं ठीक बनेगा फिर लड़ेगा नहीं लड़ेगा, बात बात पे तो लड़ता है। सब्जी में गरम मसाला ज्यादा डाल दिया तो देवी की मुसीबत, कम डाल दिया तो मुसीबत देवी की, इसलिए पहले ही टेस्ट कर लेती है क्या कम है क्या ज्यादा है, देख के दूंगी, खावे तो खा लिए ना तो मत खा। अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे हो, बड़ी पतिव्रता थी वो ब्राह्मणी। तो एक दिन ब्राह्मण देव बोले, देवी ऐसे गृहस्थ नहीं चलेगा, अब हमें धन कमाने के लिए परदेश जाना पड़ेगा। तो ब्राह्मणी बोली, महाराज अगर आप परदेश जाओगे तो हम कैसे करेंगे, हमारे तो इतना नियम है सब, आपका मुख देखे बिना तो दिन की शुरुआत नहीं होगी। तो ब्राह्मण देवता बोले, चिंता मत करे, मैं माटी की प्रतिमा तो बना के दे जाऊंगा, और तू जितनी सेवा मेरी करे ना उतनी सेवा मिट्टी के पति की करी। बोले ठीक है महाराज। और झट मेरे भाई बहन, मिट्टी की प्रतिमा बनाकर ब्राह्मण देव दे गए, और ब्राह्मण देव चले गए धन कमाने के लिए परदेश, और ब्राह्मण की वो पत्नी बहुत सेवा कर रही है अपने देवता की, मिट्टी के पति की सेवा भी ऐसे कर रही जैसे सच्चे पति की। कुछ समय निकला, कुछ समय बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो दरवाजा बंद करके अपने मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, उसी समय सच्चा पति आया और दरवाजा नॉक किया कि देवी दरवाजा खोलो। और जब दरवाजा खोलने के लिए देवी ने कहा तो देवी बड़े धर्म संकट में पड़ गई। क्यों? बोले हमारे यहां पर नियम है पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। वो सोचने लगी, अगर मैं मिट्टी के पति की पूजा अधूरी छोड़ूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म गया, और अगर मेरे पति के लिए मैं दरवाजा नहीं खोलूं तो भी मेरा पतिव्रत धर्म गया। क्यों? क्योंकि बड़ी दूर से पैदल चल के आए, थक गए होंगे और मेरी वजह से और कष्ट पाएंगे, अब मैं क्या करूं। गोपियों ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से, हे कृष्ण आप ही बताओ कि वो गोपी करे तो ब्राह्मणी बिचारी क्या करे, उसका तो धर्म दोनों स्थिति में गया। सच्चे पति के लिए दरवाजा ना खोले तो भी धर्म गया, और मिट्टी के पति की पूजा अधूरी छोड़ दे तो भी धर्म गया, अब आप ही बताओ क्या करे। कृष्ण बोले, गोपियों बड़ी भोली हो तुम, अरे भाई जब तक सच्चा पति नहीं आया तब तक उस मिट्टी के पति की पूजा करना तो मजबूरी था, लेकिन जब सच्चा पति आ गया तो मिट्टी के पति की पूजा छोड़े, दरवाजा खोले और बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे। गोपियों ने तुमसे ज्यादा जोर से ताली बजाई। गोपियां तुमसे ज्यादा प्रसन्न हुई। देखो तो सही, ऐसा समझो जैसे कोई बेचारा गरीब के घर में चोरी है जाए ना, जो पहले तो ही गरीब हो वो के घर में चोरी है जाए, और फिर घर में अचानक से कोई वह माला पहरा दे, बोले बहुत अच्छा काम करो यानी ईमानदारी को, अब घर में चोरी है गई वह देखे क्या माला देखे, तो जी वो माला पहन के तुम्हें जरा चकाचक मस्ती में होना चाहिए पता चले। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, महाराज हो गया काम। बोले काहे को क्यों मुस्कुरा रही है? बोले बस हो गई बात। क्यों? बोले अभी अभी आप कह रहे थे ना जाओ अपने सच्चे अपने पतियों की पूजा करो। बोले तो
बोले महाराज आपका ही मुख और आपका ही न्याय, आपने कहा जब सच्चा पति आ जाए तो मिट्टी के पति की पूजा करने की जरूरत, हे गोविंद जब तक आप में सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन हाड़ मास के पुतलाओं की सेवा करती रहीं, लेकिन आज हमें आप सच्चे पति मिल गए हो तो इन हाड़ मास के पुतलाओं की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे भाई बहन बताओ सच्चा पति कौन है, जोर से बोलो। कन्हैया कन्हैया और कन्हैया, मंगल सूत्र किसके नाम का पहना है? कलुआ के नाम का पहना है मंगल सूत्र। सच्चा पति कौन? कन्हैया। मंगल सूत्र कलुआ का है? क्या मतलब है? तो क्या महाराज फेंक दे? बिल्कुल मत फेंको और दो पहनो, लेकिन दिल में जो मंगल सूत्र है ना वो मेरे ठाकुर जी के नाम का पहन लो, जिसके बाद तुम्हें और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कलुआ तो यहीं तक साथ निभाएगा, जन कब पीछा छोड़ दे, क्या भरोसा है इसका? तुमसे अच्छा कोई दिखेगा उधर चलता बनेगा वो तो, लेकिन मेरा कन्हैया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। मेरा कन्हैया तो तेरी पकड़ ली बांह तो फिर छोड़ने वाला नहीं है। अब बोलो किससे प्यार करना, छोड़ देने वाले से या कभी ना छोड़ने वाले से? कह तो ऐसे रहे हो जैसे आज के बाद भस्म रमा के घूमोगे हैं? प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, देवाले बन गया बदन हो हो हो, हो। देवाले बन गया बदन संत तो महंत हो जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। कोई भी खड़ा नहीं होगा, ताली बजाएंगे बस दोनों हाथ ऊपर करके और भगवान से प्यार करेंगे धीरे धीरे। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।